सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा यूट्यूब चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए। नमस्कार, मैं राणा यशवंत द फ्रंट पर आपका स्वागत करता हूं। समाजवादी पार्टी के बड़बोले नेता रामपुर के सांसद आजम खान की गिरफ्तारी किसी भी वक्त हो सकती है। रामपुर में वैसे धारा 144 लागू कर दी गई, यानी कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। कहा तो ये जा रहा है कि मुहर्रम को देखते हुए यह फैसला किया गया, लेकिन माना यह भी जा रहा है कि आजम खान की गिरफ्तारी किसी भी वक्त हो सकती है और पुलिस का दल बल अगर उनको गिरफ्तार करने के लिए जाता है तो माहौल ना बिगड़े, हिंसा ना भड़के, दंगा ना हो, इस लिहाज से ये फैसला किया गया है। यानी रामपुर में 5 या 5 से ज़्यादा लोग एक जगह पर इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। पुलिस की चुस्ती और गश्त वहाँ बढ़ गई है, इसलिए इस बात के संकेत ज़्यादा हैं कि आजम खान की गिरफ्तारी किसी भी वक्त हो सकती है। पिछले कुछ महीनों में आजम खान के खिलाफ लगातार मुकदमे दर्ज होते रहे और अब मामले कुल मिलाकर के 80 से ज़्यादा हो गए हैं। इनमें से ज़्यादातर मामले ज़मीन, सरकारी ज़मीन हथियाने, किसानों की ज़मीन हड़पने के हैं, लेकिन हत्या, लूट, गैरतन हत्या, बल्कि लूट, चोरी जैसे मामले भी उनके खिलाफ हैं। रामपुर में जब लोकसभा चुनाव के दौरान वो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे और बीजेपी की उम्मीदवार जयाप्रदा के खिलाफ लड़ रहे थे, उस दौरान उन्होंने जो अश्लील बातें कही थी जयाप्रदा के खिलाफ, वह मामला भी कानून या यूँ कहिए कि मुकदमे की शक्ल ले चुका है। जौहर विश्वविद्यालय है जिसके वाइस चांसलर उम्र भर के लिए बन गए थे, उस जौहर विश्वविद्यालय की ज़मीन को लेकर के मामले सबसे ज़्यादा हैं। उस विश्वविद्यालय में कानून को जिस तरीके से उन्होंने धत्ता बताया और सरकारी ज़मीन को उस कब्जे में लिया, उसको लेकर के उनके खिलाफ मुकदमे कई दर्जन हो गए हैं। 2012 में 17.5 एकड़ ज़मीन जौहर विश्वविद्यालय के तहत सरकारी ज़मीन ली गई और उस समय वहाँ के SDM थे रमेश चंद्र शुक्ला, उन्होंने इस ज़मीन को जौहर विश्वविद्यालय को देने का फैसला किया था। बाद में इस पर जब योगी की सरकार आई, मानी बीजेपी की सरकार 2017 में आई, तो फिर इस ज़मीन को लेकर के ऐतराज़ किया गया और ऐतराज़ की शक्ल कुछ यूँ है कि उस समय जो DM थे शिव सहाय अवस्थी, उन्होंने राजस्व बोर्ड परिषद से आजम खान के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी और फिर बोर्ड ने उनको अनुमति दी। इसको लेकर के आजम खान हाई कोर्ट पहुँचे कि यह गलत है, मेरे खिलाफ मुकदमा चलाने का जो फैसला राजस्व बोर्ड ने दिया है वह फैसला कानूनन सही नहीं है। लेकिन आजम खान की इस चुनौती को या अर्जी को 26 अगस्त 2018 को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। कुल मिलाकर के कोर्ट से भी आजम खान को राहत नहीं मिली और बाकी जो मामले हैं उनमें भी आजम खान लगातार घिरते चले गए। पिछले कई दिनों से, या यूं कहिए कि जो ईद थी, ईद के दिन नमाज पर आजम खान रामपुर में दिखे थे, उनके आसपास जो लोग रहते हैं वो भी दिखे थे, लेकिन उसके बाद से उनको नहीं देखा गया है। मैंने भी कई दफ़ा कोशिश की उनसे संपर्क करने की पिछले कई दिनों में, लेकिन संपर्क नहीं हुआ। उनका फ़ोन नंबर जो मोबाइल है वो नहीं लगता है और लैंडलाइन पर भी कोई जवाब नहीं मिलता है। आजम खान के बारे में जितने भी पत्रकार हैं और उनके आसपास रहने वाले लोग हैं उनसे जब आप जानकारी लेते हैं तो कहा यही जाता है कि आजम खान कहीं अंडरग्राउंड हो गए हैं। आजम खान बड़बोले नेता हैं और लगातार उन्होंने बीजेपी के नेताओं के खिलाफ खड़ा होकर के रामपुर से आवाज़ लगाई है और समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा मुस्लिम चेहरा है और मुस्लिम वोट को समाजवादी पार्टी से जोड़े रखने में आजम खान की एक बड़ी भूमिका रही है। लेकिन पिछले कुछ महीनों से, बल्कि हालांकि जब से वहाँ बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है उसके बाद से मुकदमों की संख्या बढ़ने जरूर लगी है, लेकिन महीने भर के भीतर या 1.5 महीने के भीतर जिस तरीके से उनके खिलाफ धाराएं लगी और मामले दर्ज हुए, उसके बाद आजम खान धीरे धीरे बोलना बंद कर गए और अब वो कहीं ना कहीं अंडरग्राउंड हैं। बहुत मुमकिन है, जो मेरे पास जानकारी आ रही है उसके मुताबिक उनकी गिरफ्तारी किसी भी वक्त हो सकती है। अखिलेश यादव रामपुर जाने वाले थे आजम खान के समर्थन में, लेकिन वो नहीं जा रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि 13 या 14 तारीख को मैं जाऊंगा या जाने के बारे में जानकारी दूंगा। वैसे अखिलेश के रामपुर जाने के खिलाफ कांग्रेस के एक नेता ने वहाँ के राज्यपाल, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को शिकायत की थी कि अखिलेश वहाँ जा रहे हैं माहौल बिगाड़ने के लिए, दंगा भड़काने के लिए, मुहर्रम है लिहाजा इनको जाने से रोका जाए। लेकिन उससे पहले कि राज्यपाल कोई फैसला करती या कुछ कहती,
मुलायम अखिलेश यादव ने यह तय कर लिया कि वो रामपुर नहीं जाएंगे और 13-14 तारीख को ये बताएंगे कि रामपुर उनको कब जाना है या फिर उसी दिन जाना है। आपको याद हो कि पिछली तीन तारीख को मुलायम सिंह यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी आज़म खान के लिए। उन्होंने कहा था कि आज़म खान एक बेहद सामान्य और गरीब परिवार से आने वाले आदमी हैं, वो बेईमान आदमी नहीं है, उनको लंबे समय से मैं जानता रहा हूँ। उनके खिलाफ सरकार गलत मंशा से लगातार मुकदमे दर्ज कर रही है और अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं प्रधानमंत्री से भी बात करूँगा। लेकिन मुलायम सिंह की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी शासन और प्रशासन दोनों के तेवर में कोई नरमी दिखी नहीं और चारों तरफ से जिस तरीके के इरादे हैं और जिस तरह का कसाव आज़म खान के चारों ओर घिरने लगा है, बहुत मुमकिन है कि आज़म खान बहुत जल्द सलाखों के पीछे होंगे।